सीख लिया था कि आपको जो है ना गिटहब में अकाउंट बना लिया था हम लोगों ने, और गिटहब में अकाउंट बनाने के अलावा हमने अब अगला काम जो करना है आज की क्लास में वो ये करना है, मैं github.com पे गया और मैं अपनी प्रोफाइल पे चला गया। आप सब लोगों के पास भी ऐसी प्रोफाइल बन के आ चुकी होगी, आपके पास रिपॉजिटरीज जो हैं वो ज़ीरो शो हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि आपका अभी अकाउंट बना है। ये शोर कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद लगवा रहे हैं। अच्छा हम भी करेंगे किसी दिन अपनी क्लास में पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नारा। अच्छा इंशाल्लाह। हाँ, और यहाँ पर भी आएंगे, सही है। यहाँ पे ये इवेंट्स मुख्तलिफ कर रहे होते हैं हम यहाँ पे ना, पूरी दुनिया से डिफरेंट डेलीगेट्स और पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके CEOs, उनके HR के लोग, उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो लोग हैं उनको हम बुलाते हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक वीक छोड़ के एक वीक या सम टाइम हर वीक यहाँ पे कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होता है, कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे आपको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन्वाइट करना शुरू करेंगे। वेल, तो आपके पास ये रिपॉजिटरी जो है वो ज़ीरो शो हो रही होगी, ठीक है। मेरे पास 316 रिपॉजिटरीज हैं, तो हमें एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास भी एटलीस्ट 30 से 40 रिपॉजिटरीज ऐसी होनी चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में हो ना, जो आप किसी को दिखा भी सकें बाद में। छोटे छोटे असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे इस क्लास में। अच्छा, तो ये जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि आवाज़ समझ नहीं आ रही, आवाज़ तो बिल्कुल आपको सही समझ आनी चाहिए। प्लीज़ मुझे बाकी लोग कमेंट में इसमें चैट में बताइएगा कि आपको आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, क्योंकि मेरे पास से इंटरनेट तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मे बी आप उसको डिसकनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट हो जाए तो आपका शायद सेट हो जाए फिर। अच्छा, तो जैसा कि मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि जो github.com है ये डिवेलपर्स का सोशल मीडिया है, ठीक है। डेवलपर्स का सोशल मीडिया होने के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम वक्त के साथ साथ हम देखते रहेंगे कि वो क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हमने ये करना है कि हमें इस डेवलपर्स का जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर कोई भी चीज़ पब्लिश कैसे करनी है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे फेसबुक पे आप जाते हैं तो फेसबुक पे आप जाके क्या करते हैं, मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर है, मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं थी मेरी। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो गई है। अच्छा, अगर आपको मेरी स्क्रीन फुल में ना दिखे ना तो जो प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है ना उसको पिन कीजिएगा पहले तो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी को भी ऐसे पिन कर सकता हूँ पिन का बटन दबा के, और ये जो जो हैंगअप का बटन है इसके पड़ोस में जो 3 डॉट है इस 3 डॉट पे जाके चेंज लेआउट पे करके ना आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे ना लेआउट वो वाला लेआउट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मतलब मेरी स्क्रीन फुल करके अगर देखनी है या जो भी आगे पीछे करना है वो आप यहाँ से लेआउट से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला बटन है हैंगअप का, कॉल कट करने का जो बटन है उसके पड़ोस में जो 3 डॉट है इसके अंदर जाके लेआउट आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास सही है। अच्छा, तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आई होप। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आने के बाद आपको ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना हुआ है न्यू का, ठीक है। तो ये न्यू का बटन आपने प्रेस करना है। ये जैसे facebook.com पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे facebook.com पे जाता हूँ अपने पेज पे, तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ अगर पब्लिश करनी होती है, कोई भी चीज़ अगर फेसबुक पे मुझे अपलोड करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे व्हाट इज़ इन योर माइंड, और ये जो व्हाट इज़ इन योर माइंड है इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ और लिख के मैं ये पोस्ट का बटन दबा देता हूँ तो ये पब्लिश हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो हम फोटोज़ और अपनी वैसे ही कुछ भी लिख के हम शेयर कर देते हैं तो ये ईज़िली हो जाता है हमारे पास, लेकिन github.com पे क्योंकि हम अपने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स शेयर करते हैं, जो हम कोडिंग का प्रोजेक्ट लिखा है हमने, जाहिर है ये कोडिंग का जो प्रोजेक्ट है वो फेसबुक पे तो आप शेयर करेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे वो ऑडियंस नहीं है। वहाँ पे फेसबुक पे जो लोग हैं वो मीम्स देखने बैठे हुए हैं, वो फ़नी वीडियोस देखने के लिए बैठे हुए हैं, वो डिफरेंट किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ में ना इंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होने के लिए वहाँ पर आते हैं facebook.com पर। तो वहाँ पर जाहिर है ये कोडिंग के प्रोजेक्ट देखने तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो आइडियली आपके पास फिर कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर लोग कोडिंग के प्रोजेक्ट्स में इंगेज होने के लिए आते हैं, कोडिंग के प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए आते हैं, शेयर करते हैं आपस में।
तो वो है github.com। अच्छा, तो ये क्योंकि वो तो है नहीं कि क्लिक किया, कुछ लिखा, एंटर कर दिया, तो इसमें पब्लिश करने का एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रोसेस है, वो मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप सब लोगों को ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको आपने बहुत गौर से देखना है। मैं इसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर भी कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये आपके पास रहे, लेकिन स्टिल आपको ये बहुत गौर से देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो जो मैं आपको अभी बताऊँगा ना, ये वो आपने जो है वहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में मुझे करके भी दिखाना है। अच्छा, एक मिनट ज़रा मैं इसको वो लगा दूँ। प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने फॉर्म दिया था ना, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जिस ईमेल से फिल किया है उसी ईमेल से आप आएंगे ना, तो आप क्लास में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप 40 मिनट्स आपको दिए मैंने फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ, तो अगर आप उसके बावजूद आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आप फिर छोड़ दें, अब आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा। एक बार फिर बताइएगा जरा थोड़ा सा। क्या चीज़ बताऊँ जरा, सॉरी। तो वो जो आपने बोला था इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिपोर्ट। हाँ, वो तो अभी मैंने शुरू नहीं किया। अच्छा, अभी जो है ना मैंने क्लास की अटेंडेंस मैं अब करने लगा हूँ, राइट। क्लास की अटेंडेंस करने का तरीका क्या है कि मैंने ये वीडियो ओपन की और इसको जो है ना मैंने थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल किया, ठीक है। ये QRS स्कूल की अटेंडेंस हो गई हमारी। आज क्या डेट है? आज 17 अक्टूबर की अटेंडेंस हो गई हमारी, सही है सर। मेरी अटेंडेंस ले लीजिएगा, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। बस ये जो अभी लोग कनेक्टेड हैं उनकी अटेंडेंस है, इसके बाद ना कोई कनेक्ट हो सकता है और ना कोई जो है ना वो हो सकता है, बस। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हम ये प्रोसेस करने जा रहे हैं कि इसमें कोड को पब्लिश कैसे किया जाए। मैंने कहा न्यू, और न्यू का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देखें क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी के नाम से एक मेरे पास पेज पूरा खुल गया है। इसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि आपकी रिपॉजिटरी का नाम क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे फोल्डर होता है ना, रिपॉजिटरी उसी को फोल्डर को ही कहते हैं एक्चुअली, लेकिन थोड़ा उसका बेहतर नाम है, एक अच्छे नाम के तौर पर हम रिपॉजिटरी कहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, एक फोल्डर बना रहे होते हैं, एक रिपॉजिटरी बना रहे होते हैं, जिसमें आप तमाम का तमाम अपना कोडिंग का प्रोजेक्ट उसके अंदर रखते हैं, उस फोल्डर के अंदर। तो इसका मैं नाम बना लेता हूँ माई फर्स्ट रेपो, ठीक है, और साथ में मैं लिख देता हूँ QRS क्लास, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस क्लास के लिए बनाया था। और मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिख देता हूँ कि दिस रेपो वाज क्रिएटेड एज डेमो इन अ क्लास, ठीक है जी। और इसको पब्लिक रख सकता हूँ मैं और प्राइवेट भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको पब्लिक रखना है। पब्लिक क्यों रखना है मुझे इसको, कि मैं ये चाहता हूँ कि ये रिपॉजिटरी सब लोग देखें, ठीक है। प्राइवेट भी रखते हैं, जब क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको ज़ाहिर है फिर हमें प्राइवेट रखना पड़ता है, लेकिन अभी जो हम डेमो बनाएंगे, जो हम क्लास के दौरान जितने भी टास्क बनाएंगे, तो उसकी जो रिपॉजिटरीज होंगी ना हमारी, वो पब्लिक होगी, ठीक है, उसको हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब लोग उसको देखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पब्लिक करने के बाद आपको नीचे वाले मजीद ये कोई भी नहीं चेंज करना, इसको डिफ़ॉल्ट पे रख के और क्रिएट रिपॉजिटरी बना देना है। फॉर नाउ इसको आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट पे रखना है, बाद में फिर हम इसको भी अब चेंज करना दिखेंगे कैसे होता है। क्रिएट रिपॉजिटरी का जैसे ही आपने बटन प्रेस किया तो ये एक एम्प्टी रिपॉजिटरी, एक फोल्डर आपको बनाकर ये दे देता है, जिसका आपको नाम भी ये डिस्प्ले करवा देता है यहाँ पे कि ये आपकी रिपॉजिटरी का नाम है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप इसको ना एक आप समझे कि ये बॉक्स है, एक फोल्डर जो है, एक रिपॉजिटरी जो है, एक ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को ना आपने उठा के क्या करना है, अपने कंप्यूटर में लाना है, ठीक है। इस रिपॉजिटरी को, इसको हम क्या करेंगे, उठा के अपने कंप्यूटर में लेकर आएंगे और कंप्यूटर में लाके ना इसमें अपना हम सामान डालेंगे और फिर इसको वापस वहीं भेज देंगे, सही है। अब ये कंप्यूटर में किस तरह लेके आएंगे, हाँ, अब वो मैं बताने लगा हूँ कि वो हम कैसे लाएंगे। अब आप देखें, ये आपके सामने ना एक URL आ रहा है, ठीक है। ये URL मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये URL कॉपी करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे किसी भी फोल्डर में मैं आया, ठीक है। किसी भी फोल्डर में आने के बाद मैंने वहाँ पे टर्मिनल को ओपन किया, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल ओपन किया। और ये टर्मिनल जब ओपन हुआ है तो ये होम के फोल्डर में ओपन हुआ है। मैं CD करके इसमें डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा, ठीक है, और क्लियर स्क्रीन कर दूंगा मैं। ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैक के अंदर और लिनक्स के अंदर टर्मिनल होता है। ये मैंने आपको टर्मिनल ओपन करना बता दिया और डेस्कटॉप पे आना बता दिया, मैक और लिनक्स के ऊपर। अच्छा, विंडोज़ के अंदर इसको करने का तरीका क्या है, विंडोज़ में आप जाएंगे एक्सप्लोरर पे, ठीक है, एक्सप्लोरर, ओ ओ हाँ,
ये विंडोज़ पे आपने एक्सप्लोरर में जाना है, और एक्सप्लोरर पे जाके ना किसी भी फोल्डर में आप जाएंगे, किसी भी फोल्डर में अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फोल्डर में आप जाएंगे, और ये जो एड्रेस बार जिस पे ये बना हुआ रहा है, एड्रेस बार इसी जगह पे आपने क्लिक करना है, क्लिक, और उसमें जो भी पहले से लिखा है उसको मिटा देना है। उसके बाद इसमें लिखना है CMD, स्मॉल लेटर में लिखना है, और CMD लिख के आप जैसे ही एंटर करेंगे ना तो उस फोल्डर में आपके पास वो टर्मिनल खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे एक्चुअली, अभी इस आज के केस में डेस्कटॉप पे आपने जाना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जब आप जाएंगे इसके अंदर तो यहाँ डेस्कटॉप, ये देखें छोटा सा डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे या किसी भी अपने मर्जी के किसी भी फोल्डर में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करना है, ये जो एरो है ना इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसमें जो पहले से लिखा हुआ है ना जो कुछ भी, उसको आपने क्या कर देना है, डिलीट करके उसमें CMD लिखना है, एंटर करना है, तो आपके सामने टर्मिनल फ़ौरन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको विंडोज़ में भी तरीका बता दिया, तो तीनों कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, मैक है, लिनक्स है, विंडोज़ है, ये तीनों आपको मैंने तरीके बता दिए। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप, बहुत आसान तरीका है, आपने अपने स्क्रीन का ऐसे स्नैपशॉट लेना है और स्नैपशॉट लेके अपने व्हाट्सएप में शेयर करना है। ठीक है, और मैं वहाँ पे ख़ुद भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपके फेलो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। हमारे पास जितने भी डिस्कशन के ग्रुप्स हैं उसमें जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो असल में आपके फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं ना, किसी को सिखाते हैं आप, तो आप उससे खुद बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो आपसे अगर ये काम हो गया है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ये आपसे हो गया है तो आप क्या करें, आप डिस्कशन के ग्रुप में आएँ और आप आके बोलें कि भाई कोई भी स्टक है वो सवाल पूछो, मुझसे हो गया, मैं बताऊँगा कैसे होता है, तो आप उससे खुद बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें जब कोई सवाल पूछे तो उसमें आप पार्ट लें। उसमें पार्ट लेने से ये होगा, जाहिर है आप जब ख़ुद वो टास्क कर रहे थे तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ड्यू टू द सिस्टम कन्फिग्रेशन कुछ इश्यूज़ आते हैं जो इन फ्यूचर आपके पास भी आ सकते हैं, तो आप दूसरे लोगों का जब इशू रिजॉल्व करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली इतना सीख जाएंगे कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इन फ्यूचर। ये पता नहीं किसी का कोई फ़ोन भूल गया है, कंटिन्यूसली बज रहा है, जस्ट अ मिनट यार, मुझे कंटिन्यूसली बज रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मैं देख लेता हूँ क्या है। अच्छा जी, अच्छा, तो अभी तक हमने ये कर लिया है कि हमने एक एम्प्टी रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली है, हमने तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको URL को कॉपी किया, और URL को कॉपी करने के बाद मैं आ गया टर्मिनल पे। ठीक है, जिस फोल्डर में मैंने अभी इसको डेस्कटॉप पे खोला हुआ है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के किसी फोल्डर में भी खोल सकते हैं, डेस्कटॉप पे खोलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कमांड लिखनी है गेट क्लोन, और वो URL मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही है, मैंने क्या कमांड लिखी है, गेट स्पेस डाला है, उसके बाद लिखा है क्लोन, उसके बाद एक स्पेस और डाला है, और फिर वो URL मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखें ये लिखा हुआ है कि योर क्लोनिंग इनटू, और फोल्डर का नाम बता रहा है कि ये जो रिपॉजिटरी ना वो क्लोन हो रही है।
लेकिन आप जब ये चलाएंगे ना कमांड पहली दफ़ा तो आपके पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि गिट आपकी मशीन में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलाने के लिए ये गिट जो लिखा है ना मैंने, आप ये जैसे गिट लिखता हूँ मैं और एंटर करता हूँ तो देखो ये आ रहा है सब कुछ, इसका मतलब है गिट इंस्टॉल है मेरे पास। ठीक है, तो आपके पास पहली दफ़ा जब आप चलाएंगे तो ये गिट ज़ाहिर इंस्टॉल नहीं है, तो वो आपको एरर देगा कि गिट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गिट बोलते किसको है। तो आपने जाना है google.com पे, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है गिट, सिर्फ गिट लिखना है, ठीक है, और एंटर कर दे। गिट हब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गिट लिखा है मैंने, तो ये लाल कलर के लोगो वाला ना ये आ जाएगा गिट। अच्छा, इसके अंदर चला जाऊंगा मैं, ठीक है, और देखें यहाँ पे लिखा हुआ रहा है डाउनलोड फॉर मैक, तो इसको डाउनलोड करके और नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये इंस्टॉल हो जाता है, बहुत ईजी है। ठीक है, विंडोज़ पे अगर आप होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो विंडोज़ पे यहाँ से क्लिक करके भी जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये छोटा सा लिखा हुआ है विंडोज़ बिल्ड, तो इस पे क्लिक करके अगर मैं विंडोज़ में जाऊँगा ना तो ये देखें लिखा हुआ रहा है कि भाई 64 बिट और 32 बिट और ये सब लिखा हुआ रहा है। तो 64 बिट वाला, जी दोस्त, सर वो हुसैन अहमद, उसको ऐड कर दें, फॉर्म उन्होंने फिल नहीं किया ना, नहीं आप छोड़ दें उसको। जी सर, ओके सर, इतनी देर तक वो उनको फॉर्म दिया हुआ था मैंने और अभी भी अगर उन्होंने फिल नहीं किया, बाय द वे 27 लोगों ने फॉर्म फिल किया और अभी मौजूद सिर्फ 18 लोग हैं यहाँ पर, तो वो सेम ईमेल से अगर करेंगे ना तो वो हो जाएगा। आप जब एंटर हुए हैं तो आपसे क्वेरी तो नहीं हुई कोई, आप ऑटोमेटिकली एंटर हो गए, तो अब अगर मैं वो दोबारा शुरू करूँगा ना ऐड करना और रिमूव करना तो फिर बकाया टाइम भी इसी में ही निकल जाएगा हमारा, हमारे पास अभी 20 मिनट्स मज़ीद बचे हैं। अच्छा, तो ये आपने ना गिट इंस्टॉल कर लिया, गिट सिर्फ गिट लिखेंगे आप, एंटर करेंगे, ये सामने पहले नंबर पे git-scm के नाम से ये वेबसाइट आ जाएगी, इसके अंदर आप चले जाएंगे, यहाँ पे जाके डाउनलोड फॉर विंडोज़ आपके सामने ऑलरेडी आ रहा होगा अगर आप विंडोज़ पे हैं तो, अगर लिनक्स पे हैं तो डाउनलोड फॉर लिनक्स आ रहा होगा आपके सामने, और अब मैं मैक पे हूँ तो मेरे पास डाउनलोड फॉर मैक ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी आए लिखा हुआ तो यहाँ पे आप यहाँ पे जाके ना विंडो बिल्ड करके क्लिक करके इस पे, और यहाँ से आप 64 बिट वाला कौन सा डाउनलोड करेंगे, एक स्टैंड अलोन इंस्टॉलर है ये वाला आपने इंस्टॉल करना है, और आपकी जो मशीन है 32 बिट है अगर तो वो कर लें, 64 बिट है तो, ज़्यादातर मशीनें वैसे आजकल अब 64 बिट आती है ना, 32 बिट वाली तो अब बंद हो गई है ना। ठीक है, तो 64 वाला ये आप कर लें, ये क्लिक करेंगे, इसको मैं क्लिक करके बल्कि डाउनलोड भी दिखा देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, देखिए नीचे एक्जी डाउनलोड हो गई है, एक्जी को आपने नेक्स्ट 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 करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, मेरे पास तो ये अभी शो हो रहा है ना, हो सकता है आपके पास इंस्टॉल करने के बाद भी ये शो ना हो, बोले कि भाई गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज, तो फिर आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, क्योंकि सम टाइम विंडोज़ कंप्यूटर पर खास तौर पर इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है, तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पास ये शो करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर आपने क्या कमांड लिखनी है, उसके बाद आपने कमांड लिखनी है गिट क्लोन, जो मैं एक दफ़ा पहले भी चला चुका हूँ दोबारा बता रहा हूँ, और उसके बाद वो URL पेस्ट कर देना है। एंटर किया तो अब मुझे ये बता रहा है कि भाई ये तो ऑलरेडी क्लोन है आपके पास, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप दोबारा नहीं करो, आप काफ़ी ये की आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इस फोल्डर के अंदर चले जाना है। अगर मैं आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाऊं तो ये आप देखें कहाँ गया वो, ये रहा, ये फोल्डर मेरे सामने बनकर आ चुका है। ठीक है, ये है वो रिपॉजिटरी जो मैंने अभी अभी क्या की है, github.com से क्लोन की है अपने पास। अच्छा, इस रिपॉजिटरी को खोलूंगा, अगर मैं आपके सामने ओपन करूंगा तो इस रिपॉजिटरी के अंदर ना एक हिडन, छोटा सा एक हिडन फोल्डर है। ठीक है, ये मैंने हिडन फोल्डर शो किया है शॉर्टकट के ज़रिए, तो आप देखें यहाँ पर छोटा सा गिट बना हुआ रहा है। अच्छा, ये जो छोटा सा गिट बना हुआ है ये पहचान है इस बात की कि ये फोल्डर कोई आम फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर गिट की रिपॉजिटरी है। ठीक है, ये इस बात की पहचान है ये छोटा सा गिट। अच्छा, नंबर एक बात ये हो गई, नंबर दो बात, इस छोटे से गिट के फोल्डर को आपको कभी भी छेड़ना नहीं है, इसको आपने ओपन नहीं करना और इसमें से कोई चीज़ आगे पीछे नहीं करनी, कोई चीज़ इसमें से डिलीट नहीं करनी आपने, अदरवाइज़ आपको वो रिपॉजिटरी करप्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी वो। ठीक है, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, ये गिट का फोल्डर जो है ये इंटरनली सिस्टम इसको खुद हैंडल करता है, आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो करना है कमांड के ज़रिए, जो कमांड्स मैं आपको बताऊँगा उस कमांड्स के ज़रिए आपको जो भी करना है। ठीक है, यहाँ पर हाथ से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कुछ डिलीट नहीं करना, वरना ये रिपॉजिटरी फिर ख़राब हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल पे जाऊँगा, CD करके मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा, क्या नाम है मेरा, MY मैंने लिखा, ये मेरा नाम है ना फोल्डर का, MY, और MY लिख के मैंने टैब दबाया।
ठीक है, तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास ना माई फर्स्ट करके दो है, एक कह रहा है कि एक में एम वाई के बाद डैश है और एक में एम वाई के बाद एफ़ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार एम वाई के बाद जो डैश है ना उसमें जाना है मुझे, और मैंने ये टैब का बटन दबाया, राइट। ठीक है, तो आपने भी यही करना है, सी डी लिख के जो भी आपके फोल्डर का नाम है उसके शुरू के दो तीन कैरेक्टर लिखेंगे और टैब दबा देंगे। ठीक है, उससे वो ऑटोमेटिकली एक तो कंप्लीट हो जाता है, टाइम बचता है आपका, दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल जाता है सम टाइम आप उस फोल्डर में नहीं होते, आप किसी और फोल्डर में होते हैं, तो वो फिर आप टैब करेंगे तो जाहिर है वो फिर कंप्लीट ही नहीं होगा, उस फोल्डर में होंगे जब ही कंप्लीट होगा। ठीक है, ये वाली जो कमांड है सी डी की कमांड, ये विंडोज़ मैक में और लिनक्स में तीनों में ये सेम है ये कमांड। ठीक है, अच्छा इस फोल्डर में आने के बाद आपने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट ये लिखना है। कोड स्पेस डॉट लिखने से क्या होगा, ये जो आपका फोल्डर है जो अभी अभी हमने ये जो गिट की रिपॉजिटरी जो है ये ख़ास किस्म का फोल्डर, ये कहाँ पे ओपन हो जाएगा, हमारे वी एस कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, वी एस कोड क्या है, जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, दैट्स ऑल। वी एस कोड टेक्स्ट एडिटर के अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अच्छा, तो मैं कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा लेकिन आप जब पहली दफ़ा ये लिखेंगे तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा, क्यों, कि आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने पहले से कर लिया हो तो होगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर चांस ये है कि आपके पास ये नहीं इंस्टॉल होगा। तो आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको इंस्टॉल ऐसे करना है, आपने google.com पे जाना है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वी एस कोड, सही है, ये वी एस कोड ये मैंने लिखा, और ये लिख के जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखें ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ये आ गया। अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो जो है वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो मेरे ख्याल में 15-20 जीबी का कोई सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, ये उसका छोटा वर्जन है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये 200 MB का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अभी देखते हैं कितने MB का है, इसके अंदर चला गया मैं। ठीक है, आप इसको देखें गौर से देखें, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, सिर्फ विजुअल स्टूडियो जो होता है ना वो नहीं करना आपने, आपने ये वाला करना है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे सामने लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर मैक यूनिवर्सल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें विंडोज़ और लिनक्स दोनों आ रहा है, तो तीनों प्लेटफॉर्म पे ये मौजूद है, जो भी आपके पास है, विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, तीनों पे ये मौजूद है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं भी इसको डाउनलोड का बटन दबाता हूँ, तो ये कह रहा है थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ देखें, ये जो है 178 MB का है टोटल ये। ठीक है, और इसका नाम शॉर्ट में इसको बोलते हैं वी एस कोड, और पूरा नाम है इसका विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास बैकग्राउंड में। अच्छा, मेरे पास वैसे पहले से ही इंस्टॉल है ये, लेकिन मैंने फिर भी उसको डाउनलोड कर लिया, कैंसिल कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए किया था। अच्छा, इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, ये डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट होगा क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, इंस्टॉल है ये। जो भी मैंने आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करना बताई है, नंबर 1 गिट, नंबर 2 विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान ना आपने इस जो बीच में ना कुछ ये चेक मार्क्स लगे हुए होंगे, कुछ हटे हुए होंगे, आपने उनको छेड़ना नहीं है, आपने जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, फॉर नाउ, अभी के लिए आपने ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं इनको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे इंस्टॉल करना है, ताकि अभी थोड़ा जब यूज़ टू हो जाएंगे ना आप, तो फिर भले आप कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज भी करते रहें, फिर तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आप चेंज भी करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल ये दो सॉफ्टवेयर, यानी कि गिट और विजुअल स्टूडियो कोड, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर इंस्टॉल करना है, यानी इंस्टॉलेशन के दौरान जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनको चेंज नहीं करना, ना कुछ को छेड़ना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, तो मैं दोबारा से बंद करके इसको वो कमांड दोबारा से चला के दिखाता हूँ। ये मैं फ़ोल्डर में कहाँ पर मौजूद हूँ, जो मेरी एक ख़ास किस्म की जो रिपॉजिटरी है ना, ख़ास किस्म का फ़ोल्डर है जो मैंने अभी अभी क्लोन किया है, ठीक है, उसके अंदर मैं मौजूद हूँ इस टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कोड स्पेस डॉट एंटर, तो ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली खुल गया और ये फ़ोल्डर इसमें खुला हुआ आ गया। ठीक है, माई फर्स्ट रेपो QRS क्लास, ऐसे मैंने करके नाम लिखा था, तो वही नाम इसके अंदर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये खाली फोल्डर है, इसमें हमें कुछ कोडिंग लिखनी है, लेकिन हमने तो अभी तक कोडिंग सीखी नहीं है, तो हम कोडिंग कैसे लिखें, तो हम एक काम करते हैं, जब तक हमने कोडिंग नहीं सीखी है हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। ठीक है, हम एक टेक्स्ट फाइल, एक नोटपैड वाली जो टेक्स्ट फाइल होती है .txt वो बना लेते हैं। ठीक है, और उस पर हम फिलहाल अभी गिट पे पब्लिश करना सीख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें एक छोटा सा बटन है जिस पे क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके आपको अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें एक न्यू फाइल का बटन है, एक न्यू फोल्डर का बटन है, तो मैं ये न्यू फाइल वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने न्यू फाइल वाला बटन प्रेस किया तो ये बोल रहा है कि भाई अब नाम क्या रखोगे आप इस फाइल का, तो मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट फाइल .txt, राइट, ठीक है, बल्कि फाइल .txt कर देते हैं, फिर उसको नाम शॉर्ट रखते हैं।
ठीक है, फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये मेरी एक पहली फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। किसमें बनाने जा रहा हूँ? अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी जो थी, जिसको मैं क्लोन करके लाया हूँ यहाँ पर, उस रिपॉजिटरी वाले फोल्डर में, उस रिपॉजिटरी के अंदर ये पहली फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने एंटर किया और ये फाइल बन के मेरे सामने आ गई। ठीक है, ये फाइल जैसे ही बन के मेरे सामने आ गई, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन रेपो रिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये मैंने इसमें बात लिख दी। अच्छा, ये फाइल, ये बात लिख के मैंने कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, इसमें जब कोई फाइल सेव नहीं होती ना, तो ये गोल सा बना हुआ आता है। ठीक है, ये गोल सा बना हुआ आ रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा ना, आप देखें ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है फाइल सेव हो चुकी है, और मैं दोबारा जब यहाँ कुछ लिखूँगा तो ये दोबारा गोल हो जाता है। तो इसका ख्याल रखिएगा, अगर आपने फाइल सेव नहीं की है ना, तो वो फिर जाहिर है उसका इम्पैक्ट आपको ना नज़र नहीं आता। फिर आप कहते हैं यार ये तो मैंने लिखा था कुछ, लेकिन वहाँ कुछ पहुँच ही नहीं रहा। ठीक, तो फाइल को हमेशा आपने सेव करना है। ठीक है, कंट्रोल एस से आपने फाइल को सेव कर देना है। ये आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, यहाँ पे भी ना ये सेव लिखा हुआ आ रहा है, इसको दबा के भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि शॉर्टकट यूज़ करें। तो ये आपके पास एक जो है ना टेक्स्ट फाइल बन के तैयार हो गई है। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है, जो मैंने रिपॉजिटरी, मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया था ना कि ये रिपॉजिटरी एक डब्बा है, एक बॉक्स है, जो github.com पे पड़ा हुआ था, उस बॉक्स को मैं उठा के अपने कंप्यूटर में लाया हूँ। और यहाँ कंप्यूटर में लाने के बाद उस बॉक्स में मैंने एक फाइल डाली है, ये जो आपके सामने बनी हुई है। अब इस बॉक्स को मैंने वापस github.com पे भेजना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी टर्मिनल पे आऊँगा मैं वापस। ठीक है, अच्छा, VS कोड के अंदर एक फीचर और भी है कि इसके अंदर ही टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बाहर वाले टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और मैं इसके अंदर वाला टर्मिनल खोल लेता हूँ। कैसे खुलेगा इसके अंदर वाला टर्मिनल? उसकी कमांड है कंट्रोल प्लस बैकटिक, राइट, ये दबाएंगे तो ये खुल जाएगा टर्मिनल। और उसके अलावा यहाँ ये ऊपर छोटा सा ना ये टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके भी ना न्यू टर्मिनल करेंगे तो भी उससे भी ओपन हो जाता है। ये देखिए, नीचे टर्मिनल ओपन हो गया। अच्छा, ये टर्मिनल इनका अपना टर्मिनल नहीं है, जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है वही यहाँ पे ना एक छोटी सी विंडो बन के ओपन हो जाता है। ठीक है, ये इनका खुद का कोई टर्मिनल नहीं है, ये आपके कंप्यूटर में जो टर्मिनल इंस्टॉल है, जैसे विंडोज़ में CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, मेरे पास जो है वो ZSH है, और लिनक्स के अंदर बैश होता है आमतौर पर। तो ये टर्मिनल जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, वही टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाता है आपके सामने। ठीक है, विंडोज़ में अब वैसे पावर शेल होता है ज़्यादातर। तो तो मैंने क्या किया, मैंने इसके रिपॉजिटरी के फोल्डर में टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा, ये मुझे फैसिलिटी कौन दे रहा है? ये VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो मुझे ये फैसिलिटी दे रहा है। अच्छा, अगर मैं VS कोड का टेक्स्ट एडिटर ना यूज़ करूँ तो भी मैं ये काम कर सकता था, मैं नोटपैड पे भी कर सकता था, बट मैं विजुअल स्टूडियो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो मेरे लिए कोडिंग को आसान बना देता है। ठीक है, जो कोडिंग के अंदर मुझे सहूलियात ही ऐसी देता है जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जिनमें से एक ये है कि मैं कंट्रोल प्लस बैकटिक दबाता हूँ ना, तो ये टर्मिनल देखो खुलता भी इसी से, बंद भी इसी से होता है। बैकटिक का बटन कौन सा होता है आपके कीबोर्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बैकटिक का बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में वो कौन सा होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बटन है ना आपका, जिसमें अलिफ मद्दा बना हुआ है, ये बैकटिक का बटन होता है। ठीक है, एक हाइफन है इसमें अलिफ मद्दा, और ये दूसरा जो है नीचे वाला, इसको बैकटिक कहते हैं। तो कंट्रोल और प्लस बैकटिक, ये आप कंट्रोल पकड़ के और बैकटिक दबाएंगे ना, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाते हैं, इसी तरह कंट्रोल बैकटिक से टर्मिनल ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है इससे। ठीक है, दोनों इसी से होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल बैकटिक दबाया मैंने तो इस फोल्डर में हो गया ओपन ही। अच्छा, इससे बेनिफिट ये होता है कि मुझे ना बार बार बाहर जाकर टर्मिनल खोलना नहीं पड़ता, यहीं पे खुल जाता है टर्मिनल। अच्छा, इस टर्मिनल के अंदर अब मैंने कमांड क्या लिखनी है, इसको बहुत गौर से देखिएगा। एक कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, गिट क्लोन स्पेस और URL, वो क्लोन करने की कमांड है, यानी रिपॉजिटरी को GitHub से मंगवाने की कमांड है, अपने कंप्यूटर में लेकर आने की कमांड है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ना GitHub में zip डाउनलोड का भी ऑप्शन होता है, तो कोई भी आप में से zip डाउनलोड को टच ना करे। ठीक है, मैं किसी को भी ये ना देखूं कि वो zip डाउनलोड कर रहा है github.com से, नहीं, आपने क्लोन करना है। जैसे मैंने कमांड लिख के बताया, ऐसे कमांड लिख के आपने क्लोन करना है। ठीक है, क्योंकि zip जब आप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी फीचर्स आपके मिस हो जाते हैं उसमें। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको उसमें फिर नहीं मिलती, तो इसलिए आपने हमेशा क्या करना है, इस रिपॉजिटरी को कभी भी zip डाउनलोड नहीं करना, आपको हमेशा इसको क्लोन करना है। अच्छा, क्लोन करने के बाद ये मैंने फाइल बनाई है। अब जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ वो इस रिपॉजिटरी को वापस github.com पे भेजने की कमांड है। ठीक है, क्या है सबसे पहली कमांड, गिट एड और डॉट।
एंटर, ठीक है, गेट ऐड डॉट एंटर। अच्छा उसके बाद क्या है, गेट कमिट माइनस एम और उसके बाद डबल कोटेशन में एक मैसेज, माई फर्स्ट कमिट, ठीक है। कमिट मतलब ये कमिटमेंट वाले कमिट की बात हो रही है, सही है, ये कमिटमेंट से जो वर्ड निकला है कमिट, ये एंटर कर दिया मैंने। अच्छा देखो ये दो कमांड जो है ना, गेट ऐड डॉट का मतलब है कि कौन कौन सी फाइलें ऐसी हैं जो मुझे गिटहब में वापस भेजनी है, ठीक है। अभी तो मेरी एक ही फाइल है ना, तो इस डॉट का मतलब होता है तमाम फाइलें भेजनी है। मैंने कहा गेट ऐड डॉट, मैंने कहा तमाम फाइलों को ऐड कर दो गिटहब में रवाना करने के लिए, यानी मैं एक ट्रेन का डब्बा तैयार कर रहा हूँ, मैंने कहा सारी फाइलों को चढ़ा दो उस डब्बे के अंदर। उसके बाद मैंने कहा गिट कमिट। अच्छा कमिट क्या होता है, ये कमिटमेंट से वर्ड निकला है कमिट। इसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज लिखते हैं कमिट का, और ये कमिट हम आमतौर पे कब करते हैं कि जब मैं कोडिंग में कोई एक काम कर रहा हूँ, कोई एक फ़ीचर पे काम कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने अगर होम पेज कंप्लीट कर लिया है, तो होम पेज जब पूरा हो जाता है तो फिर मैं एक कमिट बनाता हूँ, ठीक है। मैं कमिटमेंट करता हूँ यहाँ पे कि हाँ यार मेरा एक होम का पेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक माइलस्टोन आप इसको कह सकते हैं, जैसे आप ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको दरमियान में माइलस्टोन मिलता है कि अच्छा यार आपका 1400 किलोमीटर का सफ़र था, तो अब आपका हर 100 किलोमीटर पे एक स्टोन लगा हुआ होता है कि अब आपके इतने 100 रह गए, अब इतने 100 रह गए। तो आपका ये एक माइलस्टोन जब कंप्लीट होता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं, तो आपको मिसाल के तौर पे जैसे सुबह आप आए जॉब पर, तो आपको उन्होंने 10 टिकट्स दिए, 10 अलग अलग इशूज़ दिए, 10 अलग अलग आपको प्रॉब्लम्स बताई किसी सॉफ्टवेयर की, और वो आपने रिजॉल्व करनी है। तो हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बाद आप क्या करते हैं, उस कोड को आप कमिट कर देते हैं। अब इस कमिट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, अपनी फ़ाइल को मैंने कहा तमाम फाइलों को उस डब्बे में चढ़ा दो जो हम ट्रेन का डब्बा तैयार कर रहे हैं github.com पे वापस भेजने के लिए, और मैंने कहा कि ये कमिटमेंट एक कर दो यहाँ पर। अच्छा, और जैसे ही मैंने कमिट किया ना, तो इसने बोला कि भाई ये वन फाइल चेंज है और उसमें वन लाइन का कुछ कोड लिखा गया है, ठीक है। और इसने ये भी देख लिया कि यार क्रिएट हो गया, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, फाइल .txt के नाम से एक फ़ाइल थी, वो भी इस कमिट में, वो नई फाइल है, वो इस कमिट से पहले मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स ये बता रहा है आपको। अच्छा नंबर तीन आपको कमांड क्या लिखनी है, गेट पुश एंटर, ठीक है, दैट्स इट। ये तीन कमांड लिखने के बाद, नंबर एक कमांड गेट ऐड डॉट, गेट कमिट माइनस एम और आपका मैसेज। अच्छा इस कमांड को आप गौर से देखें, गेट स्पेस कमिट, स्पेलिंग यही लिखेंगे आप, स्पेलिंग गलत लिखेंगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। गेट स्पेस कमिट स्पेस उसके बाद माइनस एम, ठीक है, उसके बाद स्पेस, एक ये छोटा सा स्पेस, उसके बाद डबल कोटेशन में आपका मैसेज। ये मैसेज आपकी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज हो सकता है, मैंने लिखा है माई फर्स्ट कमिट, इस मैसेज की जगह आपकी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज हो सकता है। आमतौर पर इस मैसेज में हम वो बात लिखते हैं जो फंक्शनैलिटी मैंने अभी कंप्लीट की है। मिसाल के तौर पर मैं लॉगिन की फंक्शनैलिटी पर काम कर रहा था, तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी तो मैं कमिट करूँगा, मैं लिखूँगा लॉगिन कंप्लीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं साइनअप का काम शुरू करूँगा, फिर उसके बाद साइनअप की जब फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी तो मैं लिखूँगा साइनअप कंप्लीटेड, ऐसे कमिट बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये कमांड मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो गिट ऐड डॉट, गिट कमिट माइनस एम और आपका एक मैसेज, उसके बाद गिट पुश। ये तीन कमांड लिखने से आपका जो कोड है, जो भी आपने लिखा है कोड, अभी हमारे केस में हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये github.com पे वापस पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आप वापस github.com पे जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये वाला कोड जो टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई थी वो वहाँ पे नज़र आ जानी चाहिए, ठीक है। चलते हैं जी, यहाँ पे यही है मेरी रिपॉजिटरी, इसको मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ जैसे ही, तो रिफ़्रेश करते ही मुझे देखो ये टेक्स्ट फाइल नज़र आ गई है। मैं इसको एंटर करता हूँ इसके अंदर, तो देखो ये मुझे कोड भी लिखा हुआ दिख गया इस टेक्स्ट फाइल में, जो भी बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब अगर इस फाइल में मुझे कोई चेंजेस करनी है, मैंने कहा कि दिस इज सम मोर चेंजेस, सही है, टू द फाइल, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया सम मोर चेंजेस। अब ये वाली चेंज जो है ये मुझे वापस दोबारा से गिटहब में भेजनी है अगर, तो मैंने क्या करना है, अब वही तीनों कमांड लिखनी है दोबारा। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर, अच्छा ये जो क्लियर लिख रहा हूँ विंडोज़ के अंदर ये होता है CLS, ठीक है, विंडोज़ के अंदर ये क्लियर नहीं होता। जैसे ही मैं क्लियर लिखता हूँ तो स्क्रीन क्लियर होती है टर्मिनल की, विंडोज़ के अंदर ये होता है CLS, ठीक है। अच्छा तो अब मैंने दोबारा ये जो मेरी चेंज थी ना, देखो ये ग्रीन कलर से बता रहा है कि ये चेंज न्यू चेंजेस हैं जो आपने किया है अभी, ठीक है। ये फीचर भी मुझे कौन दे रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड मुझे ये फीचर दे रहा है, मुझे बता रहा है ग्रीन कलर से कि ये फाइल क्या है, ये चेंज है अभी जो कि गिटहब में भेजा नहीं गया है,
ठीक है अच्छा, और यहाँ पे एम लिखा हुआ बता रहा है, एम का मतलब है ये फाइल मॉडिफाइड है, ठीक है, मॉडिफाई हो चुकी है ये फाइल, जो लास्ट कमिट किया था उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हुई है। अच्छा, तो मैंने कुछ चेंजेस दोबारा से कर दी है इस फाइल में, इसको मैंने अगर दोबारा गिटहब में वापस भेजना है अब ये वाली चेंजेस को, तो मैं क्या करूँगा, एक और ट्रेन का डब्बा तैयार करूँगा, गिट ऐड डॉट, मैं कहूँगा सारे फाइलों को उस डब्बे में आप चढ़ा दें, और उसके बाद गिट ऐड डॉट के बाद मैं क्या करूँगा, गिट कमिट माइनस एम, और आपका कोई भी मैसेज, इस बार मैं कोई दूसरा मैसेज लिखता हूँ, माई सेकेंड कमिट, ठीक है, और ये एंटर कर दूँगा मैं, ठीक है, माई सेकेंड कमिट करके मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने कहा गिट पुश एंटर। तो ये तीन कमांड आपको लिखनी पड़ेगी जब भी आप इस फाइल में कोई नया चेंज करेंगे, आपको यही तीन कमांड लिखनी होगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, वापस github.com पे पुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया आज की क्लास में, हमने github.com पे एक नई रिपॉजिटरी को तैयार किया, एक नई रिपॉजिटरी को क्रिएट किया, उसके बाद उस रिपॉजिटरी को अपने कंप्यूटर में क्लोन किया, अपने कंप्यूटर में लेकर आए उसको, उसके बाद उसमें कुछ एक फ़ाइल डाली, उस रिपॉजिटरी में उस डब्बे में हमने एक फ़ाइल डाली और उसको दोबारा github.com पे रवाना किया, ठीक है। फिर उस फाइल में मज़ीद चेंजेस की, फिर उन चेंजेस को भी दोबारा किया हमने। अब इसमें जितनी भी चेंजेस मैं करता जाऊँ ना, मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने ये तीन कमांड चलानी है, गिट ऐड, गिट कमिट माइनस एम, माई थर्ड कमिट, ठीक है। अच्छा, ये मैं जो देखो, मैं कीबोर्ड के ऊपर ना एक बटन है एरो अप का बटन, ये एरो अप का बटन जब आप दबाते हैं ना, तो ये पिछली जो चलाई है ना आपने कमांड, वो पूरी रिवाइंड होती है ना, हिस्ट्री आती है। तो मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ और मैं गेट पुश पे आके मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। जब एक ही कमांड आपको बार बार लिखनी होती है ना, तो आप एरो अप दबा के ना इसको, वो वाली हिस्ट्री देखो, पूरी हिस्ट्री आ रही है, जिस सीक्वेंस से मैंने चलाया उस सीक्वेंस से पूरी हिस्ट्री आ रही है, सही है। देखो वो पता नहीं पुरानी कौन सी कमांड मैंने और भी चलाई है, npm run कॉर्स मल्टर एक्जियोस, सारी कमांड्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपने ज़िंदगी में जितनी भी कमांड चलाई होती है इसके ऊपर, वो सब ये सेव करके रखता है टर्मिनल ना, तो वो इसके अंदर आ रही होती है। अच्छा, तो मैं जाके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने जो रिसेंट कमिट की है, माय थर्ड कमिट, उसका मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, और इस फाइल के अंदर जब मैं जाके देखूँगा तो मुझे वो तमाम की तमाम चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इस रिपॉजिटरी का लिंक मैं आपको, बल्कि लिंक क्या भेजूंगा, आप मेरी प्रोफाइल का लिंक मैं आपको भेजता हूँ, वो मैंने शायद पहले भी भेजा हुआ था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इस गूगल की मीटिंग में, मैंने आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजा है। अच्छा, आप लोग ना मुझे फॉलो कर लें, ये फॉलो का बटन दबा दें, आपके पास ना यहाँ पे फॉलो का बटन आ रहा होगा, ये देखें 704 फॉलोअर आ रहे हैं ना, ऐसे फॉलो का बटन होगा। तो आप क्या करेंगे, जब मुझे फॉलो कर लेंगे ना, हम क्लास के अंदर, हम इस क्लास के अंदर ना डेली बेसिस पे कोडिंग लिख कर मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपसे कहूंगा उसको लिखने के लिए। तो जो भी क्लास में मैं कोड लिखा करूंगा ना, उसकी मैं एक रिपॉजिटरी बना दूंगा यहाँ पे, और उसमें वो कोड पुश कर दिया करूंगा। तो आप अगर मुझे फॉलो कर लेंगे तो उससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप जब भी मैं कोड पुश करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, नोटिफिकेशन कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नोटिफिकेशन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखें मेरे पास डिफरेंट लोगों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है उन लोगों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखें, ये पीको वॉइस करके एक है कंपनी, तो इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट वेब यूटिल्स में कुछ चेंजेस किए, तो ये मेरे पास नोटिफिकेशन आया, ठीक है। अच्छा, और आप देखें, ये अलेक्सा स्किल किट नॉट जेएस ने कुछ चेंजेस किए हैं ईमेल के अंदर, ठीक है। कोई इन्होंने इशू रिजॉल्व किया अलेक्सा स्किल किट वालों ने, कैन नॉट सेंड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो ये इस तरह से आपके पास भी क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह आप फेसबुक यूज़ करते हैं, उसी तरह अब आपको github.com यूज़ करने की भी आदत डालनी है, क्योंकि डेवलपर्स का सोशल मीडिया है ये आप जो बनने जा रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं, आप ये उन डेवलपर्स का सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत डालनी पड़ेगी, यहाँ पे कैसे लोग इंगेज होते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। अच्छा, दूसरा ये कि किसी का कोई सवाल है अगर लास्ट में, तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर एंड करते हैं क्लास को। फाइल को सेव कैसे करना था? कंट्रोल एस। कुछ भी आप लिखेंगे ना, वो गोल सा ऊपर बना हुआ जाएगा, फिर कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। सर, ये विंडोज और ये एप्पल का समझ थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया ना, जो डिफरेंट था वो मैंने आपको बता दिया, जो दोनों में फर्क था ना, जहाँ जहाँ पे था वो सब मैंने आपको बता दिया। कोशिश करेंगे, मसला होगा तो फिर मैसेज करेंगे। अच्छा, अभी आप लैपटॉप पे हैं या कंप्यूटर में? अभी तो नहीं हूँ।
कल से लैपटॉप कंप्यूटर करूँगा। अच्छा कोई यहाँ पे कंप्यूटर कोई से यहाँ पे मौजूद है? कंप्यूटर से मौजूद है? जी अली करीम सर, लैपटॉप सर, लैपटॉप। हाँ बस अपनी स्क्रीन हाँ शेयर बस कर अपनी दूँ। स्क्रीन शेयर। अपनी स्क्रीन शेयर करो। क्या नाम है करो तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अली अनस, करीम। अनस। अनस। हाँ अब ये हम देख लेते हैं ना यहाँ ये हम पे देख कैसे हो लेते हैं ना रहा यहाँ। है। यार अनस के अलावा ना अनस बाकी के लोग अलावा अपना ना माइक बाकी बंद लोग। कर दें। अच्छा अनस उसको बंद करो, जरा डेस्कटॉप के ऊपर जाओ। डेस्कटॉप सर। एक्सप्लोरर के अंदर से जाओ। हाँ ये एक्सप्लोरर खोला। अब एक्सप्लोरर खोल के ये डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो। डेस्कटॉप पे क्लिक करो, ये डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अच्छा अब यहाँ पे देखें, आप एड्रेस बार पे ये क्लिक किया है इन्होंने, मिटा दो जो भी लिखा हुआ है पहले से। CMD लिखो, एंटर कर दो। बस ये खुल गया, इतना आसान तो है, कोई मसला नहीं है। ठीक है अब यहाँ पे आपने वो सारी कमांड लिखनी है। तो अभी है ना, जल्दी से आप अभी जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं जिस सीट पे, वो सीट छोड़ने से पहले जितना मैंने बताया है ये आप उतना अभी कर लें। ठीक है ये सब कुछ आप अभी कर लें। और मैंने अभी इसकी आज की, क्योंकि आज पहली क्लास है आपकी जो प्रैक्टिकल है, लास्ट क्लास में तो फिर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था एक्चुअली, तो इसकी मैंने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर ली है, वो भी मैं आपसे लोगों से शेयर कर देता हूँ। ठीक है मैं आपको शाम तक जो है ना, रात तक आपको वो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग में ग्रुप में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। सर इसके अलावा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, क्योंकि सर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पर लेट हैं, या इसके अलावा नेट इश्यूज भी आ रहे थे काफ़ी, तो आप ये जितनी भी आज की क्लास हुई है अगर आप इसकी हाँ जी स्क्रीन मैं शेयर रिकॉर्डिंग कर दूंगा, शेयर नो कर। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलें ठीक है, थैंक यू। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।